दोस्तों, जब से शहनवाज के ऊपर ये आरोप लगा है कि उसने दुर्लभ कश्यप गैंग के अभिषेक मारू के ऊपर गोली चलाई है, तब से एक बार फिर से डी कंपनी और केकेसी के बीच विवाद भिड़ चुका है। लेकिन अभी तक कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं मिला है कि शहनवाज ने ही गोली चलाई है। और दूसरी तरफ जब शहनवाज के पिता के पास मीडिया पहुंची तो शहनवाज के पिता ने कहा कि शहनवाज खान को फंसाया जा रहा है, क्योंकि शहनवाज खान तो मस्जिद में है, वो भी 10 दिनों के लिए। और शहनवाज खान के पिता ने ये भी कहा है कि और उस मस्जिद में ना ही फोन ले जा सकते हैं, ना ही शहनवाज मस्जिद से बाहर आ सकता है। अगर शहनवाज मस्जिद में है तो अभिषेक मारू के ऊपर गोली चलाने वाले स्कूटी पर दो सवार बदमाश कौन थे जो दुर्लभ कश्यप गैंग के मेंबर को गोली मारी। खैर दोस्तों, वो चाहे कोई भी हो, उज्जैन पुलिस बहुत ही जल्द उन दो बदमाशों को पकड़ लेगी, क्योंकि पुलिस से कोई भी बदमाश बच नहीं पाया है। और आप अपना राय कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।